तो उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के इतिहास में दूसरे सबसे बड़े अपराधी का नाम है ददुआ, यानी बुंदेलखंड का वीरप्पन, जिसने एक साथ 9 लोगों को गोली मार हत्या कर दी थी। 1970 के दशक में शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ का नाम चंबल के बीहड़ों में दहशत का पर्याय था। उसे बुंदेलखंड का वीरप्पन भी कहा जाता था। उसने 200 से ज्यादा हत्याएं की, लेकिन पुलिस इनमें से कुछ ही दर्ज कर पाई थी। और उसकी दहशत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर किसी को प्रधान, विधायक या फिर सांसद का भी चुनाव लड़ना होता था तो वो ददुआ को एक मोटी रकम चढ़ावे में चढ़ाता था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ददुआ के खिलाफ करीब 400 मामले दर्ज थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज से दशकों पहले उस पर 10 लाख का इनाम रखा था। कहा जाता है कि ददुआ ने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए हथियार उठाया और इसके बाद 1982 में डाकुओं का एक गैंग बनाया। 1986 में एक साथी की हत्या की। 1986 में एक साथी की हत्या के बाद 9 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद 1992 में मड़ैयन नाम के गांव में 3 लोगों की हत्या की और पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया। ददुआ के भय से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों के लोग खौफ खाते थे। हालांकि कई गांव में ददुआ गरीबों का मसीहा भी था। फतेहपुर के नरसिंहपुर कबराहा गांव में डकैत ददुआ की प्रतिमा भी लगाई गई है। 2007 में एसटीएफ की टीम ने ददुआ गैंग को घेरा और ददुआ और उसके कई साथियों को मार गिराया। ये भी कहा जाता है कि ददुआ की तलाश में 100 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गए थे। किसी का सताए नहीं, ददुआ ने बदमाश नहीं था, महान पुरुष था। महान पुरुष की पूजा हर जगह होती है।